देखिए नुकसान किसका हो रहा है, बिहार के आवाम का हो रहा है। बिहार बेरोज़गारी का केंद्र है, मजबूर प्रदेश बना है, क्योंकि जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार 16 सालों से चल रही है, ये बिहार के लिए अभिशाप के रूप में है। और क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, ये पहले ही से जनादेश की चोरी कर रखे हैं। जनता ने जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया, और इन सरकार का तो इतिहास है कि चोर दरवाजे से ही आना। और मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले हम लोगों ने बयान भी देखा था, उन्होंने कहा जबरदस्ती हमको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं जिस व्यक्ति को जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया, वो बिहार के लिए क्या काम करेगा। यानी बिहार में अगर कोई काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा, अपराध बढ़ेगा, तो उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं होंगे, एक तरीका का ये कहने का। तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हमने तो पहले भी कहा है कि कुछ फैसले हैं जो बीजेपी को मुख्यमंत्री से कराने हैं। अब उन लोगों में क्या है नहीं है, लेकिन इतना लंबा विलंब हो गया मंत्रिमंडल का। वो भी कल कह रहे थे कि हम इतने साल तक रहे सरकार में, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। और जहां तक बात बीजेपी नेताओं की है, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हमारी बैठक हो रही है। नीतीश को आप बताइए, नीतीश कुमार जी तो हर चीज से पल्ला झाड़ते हैं। कोई जिम्मेदारी कभी कोई चीज की ली है उन्होंने? बिहार में 60 बड़े घोटाले हुए, क्या उन्होंने जिम्मेदारी ली? बिहार जो है अपराध में अव्वल नंबर हो गया, नीति आयोग में फिसड्डी हो गया, क्या कभी उन्होंने जिम्मेदारी ली? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री को करना पड़ता है मंत्रिमंडल का गठन, उनके रिकमेंडेशन से राज्यपाल करते हैं, ये तो मुख्यमंत्री को करना है। किसी पे क्या होना नहीं होना, क्या निर्णय है, पॉलिटिकल अलग है, लेकिन गवर्नेंस की अगर बात आए तो ये मुख्यमंत्री की चीज है। आपको क्या लगा कितना दिन चल पाएगा, कितना नहीं चल पाएगा, ऐसे खटपट हो रहा है? हमने तो पहले भी कहा है कि चुनाव मद में भी हो जाए, बिना चुनाव हुए ही लोग चोर दरवाजे से आ गए हैं, लेकिन हम लोग तो हर एक तरीके से तैयार हैं। जल्दी ही आपको मकर संक्रांति के बाद डेट अनाउंस हो जाएगा, उसमें पार्टी के लोग जो हैं क्या कार्यक्रम कैसे चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है विधानसभा सत्र कब होगा नहीं होगा, डेट क्लैश ना करे, उसको देखते हुए हम सब लोग जो है इसको कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच जाएंगे और उम्मीद है कि हम लोग जो जनता ने जो जनादेश दिया था, क्योंकि आज भी जनता चाहे छात्र हों, युवा हों, बेरोज़गार हों, आपके जितने सरकारी कर्मचारी हों, निविदा कर्मी हों, आपके जितनी जीविका दीदी हों, कोई भी खुश इस मौजूदा सरकार से नहीं है। अपने अधिकार के लिए लोग जाते हैं तो लाठी डंडे बरसाए जाते हैं।